देख सकते हैं ये गर्मियों का सबसे अच्छा साधन है जो कि शरीर में ठंडे ठंडा पहुंचाता है। यहाँ पे जो इसको बनाया जाता है, यहाँ पे हमारे उस्ताद कुछ इसके बारे में जानकारी प्रोवाइड करवाएंगे। तो यहाँ पे जो इनके ऑनर है, आइए आइए इधर आओ, ये देखिए आपको इसकी रेसिपी बनाना सिखाएंगे। जिस प्रकार से देख सकते हैं ये देहरादून राजपुर रोड आरटीओ से बनाया जा रहा है। आप देख सकते हैं आप किस प्रकार से ये यहाँ पे इसकी रेसिपी बना रहे हैं। जी सर, आप इस समय क्या बना रहे हैं? सिकंजी बना रहे हैं। इसमें देखिए किस किस चीज़ का यूज किया जा रहा है। आप कैमरा कृपया यहाँ पे फोकस कीजिएगा। ये देखिए किस प्रकार से नींबू निचोड़ा जा रहा है और इससे रस लिया जा रहा है। यहाँ पर रस लिया जा रहा है, देख सकते हैं आप हमारी वीडियो के माध्यम से। ये देहरादून राजपुर रोड है। आप गर्मियों के मौसम में जब भी देहरादून घूमने आए तो ये आरटीओ में, यहाँ पे आरटीओ में हमारे जो भाई जी हैं, उनका नाम क्या है सर आपका? जी बंटी जी। से बंटी जी बताइए, तो आपको ये काम करते हुए कितने साल हो चुके हैं? देखिए इन्हें 11 साल हो चुके हैं। अभी ये आपको यहाँ पर सिकंजी बना के आपको दिखा रहे हैं किस प्रकार से सिकंजी बनाई जाती है। सिकंजी का आपको तरीका बता रहे हैं। देखिए इन्होंने इसमें एक स्पून नमक डाली है और दो इसमें नींबू काटे हैं और इसमें ये सर इसमें क्या रखा हुआ आपने? चीनी का घोल रखा हुआ है। देख सकते हैं इसमें चीनी का घोल रखा हुआ है, जिसे ये आप देखिए, आप देखिए इसमें चीनी का घोल मिक्स कर रहे हैं, जिसके बाद इसमें घड़े से जो एकदम घड़ा जो मिट्टी का बनाया जाता है, इससे शुद्ध पानी इसमें डाला जा रहा है। देखिए ये गर्मियों में आपको कहीं भी उत्तराखंड पहाड़ियाँ, आप पहाड़ों में अगर जाएंगे तो अधिकांश जगह पे आपको मिलेगा देखने को। ये देखिए हम ये गिलास बन के तैयार हो चुका है। इसका जो रेट है मात्र 20 रुपये रेट है। तो धन्यवाद दोस्तों।